हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट पर लिख दीजिए और अपने पास के सबसे नज़दीक सबसे बड़े शहर का नाम और स्टेट का नाम कमेंट पर लिख दीजिए ताकि हम मॉर्निंग न्यूज़ के वीडियो में आपके शहर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें दिखा सकें। तो देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। MBBS सीटों की संख्या 150 से अधिक नहीं कर सकेंगे नए मेडिकल कॉलेज, ये नियम होंगे लागू। खबर है कि नए मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम 150 MBBS की सीटें होंगी। इस समय यह अधिकतम सीमा 250 की है। 2024-25 शैक्षणिक सत्र से स्थापित होने वाले कॉलेजों पर ये नियम लागू होंगे और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 10 लाख आबादी पर 100 MBBS सीटों के अनुपात का भी पालन अनिवार्य होगा। यानी कि प्रत्येक राज्य में प्रति 10 लाख की आबादी पर MBBS सीटों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए मेडिकल संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग नियम के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 16 अगस्त को जारी अपने दिशा निर्देशों में कहा था कि प्रवेश के लिए कोई भी अतिरिक्त सीट कोटा उस कॉलेज में एडमिशन के लिए मंजूर की गई सीटों की संख्या के भीतर होगा। उन्होंने कहा कि जिन कॉलेजों ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ी हुई सीटों के लिए आवेदन किया हुआ है लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई गई, वे केवल वर्ष 2024-25 में एक बार के लिए कुल 200 से 250 सीटों की मांग कर सकते हैं, जो कि उनके पिछले आवेदन में थी। वर्ष 2023-24 के बाद नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति पत्र केवल 50, 100, 150 सीटों के लिए जारी किया जाएगा। टमाटर के बाद प्याज भी सस्ते में देगी सरकार, 25 रुपए किलो होगी बिक्री, इस दिन से होगी शुरुआत। खबर है कि महंगाई से आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार दखल दे रही है। करीब एक महीने से आम लोगों को इसी कारण सस्ते भाव पर टमाटर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब सरकार सस्ते भाव पर प्याज भी उपलब्ध करवाने जा रही है। इसके तहत लोगों को 25 रुपए प्रति किलो के भाव पर प्याज मिलेगा। रियायती भाव पर प्याज की बिक्री सोमवार से शुरू होगी। सस्ते भाव पर प्याज की ये बिक्री सहकारी एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NCCF के द्वारा की जाएगी। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि NCCF सोमवार से 25 रुपए किलो की रियायती भाव पर प्याज की बिक्री करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार के ने प्याज पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी थी। केंद्र सरकार ने देश से प्याज के निर्यात पर 40% का भारी भरकम शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। निर्यात पर यह पाबंदी 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। केंद्र सरकार के इस कदम को प्याज की कीमतों में तेजी की आशंका दूर करने के प्रयासों के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है और ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि टमाटर के बाद प्याज भी आम लोगों की मुसीबतें बढ़ा सकता है और सितंबर से इसकी कीमतों में भारी तेजी देखी जा सकती है। कांग्रेस ने किया कार्यकारिणी समिति का ऐलान, सचिन पायलट और शशि थरूर को मिली जगह। खबर है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यकारी समिति यानी CWC के 39 नामों की सूची जारी की है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट, शशि थरूर, आनंद शर्मा, अशोक चौहान और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे कई नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस आलाकमान के फैसलों से नाराज चल रहे कई नेताओं को भी समिति में जगह मिली है। बता दें कि CWC में अधीर रंजन चौधरी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम जैसे कई वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है। आपको बता दें कि सूची में 9 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर जगह मिली है। इसमें पल्लम राजू, पवन खेड़ा, गणेश गोदियाल, कोदिकुनील सुरेश, यशोमती ठाकुर, सुप्रिया श्रीनेत, परिणति शिंदे, अलका लांबा और वामशी चंदा रेड्डी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, महिला कांग्रेस और सेवा दल के प्रमुख को CWC में पदेन सदस्य का दर्जा दिया गया है। कुल 39 नामों में से केवल 3 सदस्य 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। अब आपको थोड़ा बता देते हैं कि कार्यकारिणी समिति आखिर होती क्या है। CWC कांग्रेस में सबसे शक्तिशाली समिति है। इसका गठन साल 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के दौरान किया गया था।
पार्टी के संविधान के नियमों की व्याख्या, उन्हें लागू करना और पार्टी के अध्यक्ष को हटाने और नियुक्ति करने का काम भी CWC के पास होता है। और इसी साल रायपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में फैसला लिया गया था कि समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं होगा और कांग्रेस अध्यक्ष इन्हें नामित करेंगे। पिछले साल अक्टूबर में खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद कार्यभार संभाला था और इसके करीब 10 महीने बाद उन्होंने अपनी नई टीम की घोषणा की है। आपदा से जूझ रहे हिमाचल को NDRF फंड से 200 करोड़ रुपए की मंजूरी। केंद्र सरकार से मिली बड़ी राहत। खबर है कि बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपए आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपए एडवांस पैसा देने के लिए मंजूरी दी है। आपदा प्रबंधन फंड के तहत ये राशि जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले मोदी सरकार ने 2 किश्तों में हिमाचल प्रदेश को 360 करोड़ रुपए जारी किए थे। वहीं 7 अगस्त को भी 190 करोड़ की केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को राशि दी थी। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश में आपदा पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल आपदा प्रबंधन की 20 टीमें और सेना के 20 कॉलम और 3 हेलीकॉप्टर हिमाचल में राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल सरकार की तरफ बिना प्रस्ताव के बावजूद नुकसान के आकलन के लिए टीमें भेजी हैं। 19 से 21 जुलाई तक ये टीमें प्रदेश का दौरा कर चुकी हैं। नीलाम हो रहा है सनी देओल का बंगला। गदर 2 से करोड़ों कमाकर भी नहीं चुका पाए लोन। ई ऑक्शन के लिए निकला नोटिफिकेशन। खबर है कि बॉलीवुड एक्टर सनी देओल का जुहू में स्थित बंगले की नीलामी हो सकती है। इस बंगले की नीलामी ई ऑक्शन के जरिए होगी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसके लिए अखबारों में नोटिफिकेशन जारी किया है। सनी देओल पर आरोप है कि उन्होंने बैंक से एक बड़े अमाउंट का लोन लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए हैं। सनी देओल ने लोन के लिए मुंबई के जुहू इलाके में स्थित अपना विला, जिसका नाम सनी विला है, उसको मॉर्टगेज पर दिया था। इसके बदले उन्हें बैंक को तकरीबन 56 करोड़ रुपए चुकाने थे, जो कि अभी तक वो नहीं चुका पाए हैं। अखबार में छपे हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक सनी देओल का ये घर जुहू के गांधी ग्राम रोड पर स्थित है, जिसके गारंटर खुद सनी देओल के पिता धर्मेंद्र हैं। कहा जा रहा है कि सनी देओल को बैंक ऑफ बड़ौदा को 55.99 करोड़ रुपए के तकरीबन लोन इंटरेस्ट के साथ देना था, पर बैंक को लोन रिकवरी में सफलता नहीं मिली, जिसके बाद बैंक ने न्यूज़पेपर में ई ऑक्शन के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑक्शन 25 सितंबर को किया जाएगा और इस ऑक्शन के लिए बेसिक प्राइस लगभग 51.43 करोड़ रुपए रखा गया है। अश्विनी वैष्णव का पूर्व RBI गवर्नर पर तंज, कहा राजनीतिज्ञ बन गए हैं रघुराम राजन। खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को एक ऐसा राजनीतिज्ञ करार दिया जो किसी की ओर से पीछे से वार कर रहे हैं। वैष्णव की यह टिप्पणी राजन के कथित बयान को लेकर आई है, जिसमें एक सवाल पर उन्होंने कहा था कि भारत प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना के तहत मोबाइल फोन का निर्माण नहीं कर रहा, बल्कि केवल उन्हें असेंबल कर रहा है। वैष्णव ने जोर देकर कहा कि जब अच्छे अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ बन जाते हैं तो वे अपनी आर्थिक समझ खो देते हैं। रघुराम राजन नेता बन गए हैं, अब उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। पीछे से वार करना कोई अच्छी बात नहीं है, वह किसी और की ओर से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अगले 2 वर्षों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 30% से अधिक मूल्यवर्धन हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 3 कंपनियां जल्द ही दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल फोन घटकों का विनिर्माण करेंगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो जिस तरह से रघुराम राजन वार कर रहे हैं, यह उचित बात नहीं है। वह बहुत ही निपुण अर्थशास्त्री हैं। मैं उनसे अर्थशास्त्री बने रहने या राजनीतिज्ञ बनने का अनुरोध करता हूं। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने पकड़ा स्कॉलरशिप स्कीम में बड़ा घोटाला। CBI जल्द ही कर सकती है अधिकारियों से पूछताछ। खबर है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने स्कॉलरशिप स्कीम में हाल ही में एक बड़ा घोटाला पकड़ा है, जिसको लेकर CBI जल्द ही राज्य के अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 21 राज्यों में स्कॉलरशिप स्कीम का गोरख धंधा चल रहा था। 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों में से सिर्फ 830 संस्थान कागजों पर चल रहे थे। मंत्रालय ने मामले की जांच CBI को सौंपी है। सूत्रों ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से अल्पसंख्यक संस्थानों ने छात्रों के नाम पर बीते 5 सालों में 144 करोड़ रुपए का घोटाला किया है।
केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की जांच में स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला सामने आने के बाद ये पता चला कि फर्जी मदरसों और फर्जी छात्रों के नाम पर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति बैंक खाते के जरिए निकाल ली गई। मामले की जानकारी मिलते ही अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसकी जाँच CBI को सौंपी है। शुरुआती जाँच में सामने आया है कि देश के 1572 संस्थानों में करीब 830 संस्थान सिर्फ कागजों में पाए गए। इनमें पिछले 5 सालों में 144 करोड़ 83 लाख रुपए की स्कॉलरशिप का घोटाला किया गया। वहीं देश में करीब 1,80,000 अल्पसंख्यक संस्थान हैं। रूस के लूना 25 मिशन का लैंडर हुआ नष्ट, चांद की सतह से टकराने से हुई दुर्घटना। खबर है कि रूस के चांद मिशन लूना 25 का लैंडर नष्ट हो गया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने बताया कि लूना 25 प्री लैंडिंग मैन्यूवर के दौरान एक घटना के बाद चांद पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। शुरुआती निष्कर्षों के अनुसार चांद की सतह से टकराने के बाद लैंडर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। रोस्कोस्मोस ने एक बयान में कहा कि लूना 25 के साथ कंट्रोल रूम का कम्युनिकेशन शनिवार दोपहर 2:57 पर टूट गया था। रिपोर्ट के मुताबिक यान का पता लगाने और उससे संपर्क करने के लिए 19 और 20 अगस्त को किए गए उपाय असफल रहे। 800 किलोग्राम वजन वाले लूना 25 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, जो कि इतिहास में पहली बार होता। आपको बता दें कि वर्ष 1976 में लूना 24 भेजने के बाद रूस ने चांद मिशन का प्रयास नहीं किया था। अब लूना 25 के जरिए उसने कई साल बाद चांद पर उतरने का प्रयास किया था। बता दें कि इससे पहले रोस्कोस्मोस ने लूना 25 से जुड़ी हुई जानकारी दी थी। यह तकनीकी खामी के कारण चांद के अपने निर्धारित प्री लैंडिंग ऑर्बिट में प्रवेश करने में सफल नहीं हो सका। इसके बाद से ही लूना 25 को लेकर रूसी इंटरनेट में कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे। कई लोग लूना 25 के खोने की बात कर रहे थे। कुछ का तर्क था कि यदि लूना 25 से जुड़ी हुई कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती तो अंतरिक्ष एजेंसी इसका जिक्र ही नहीं करती। राहुल गांधी बोले, लद्दाख में चीनी सेना हमारे इलाके में घुसी, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर लद्दाख में पेंगोंग झील के तट पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान राहुल गांधी ने लद्दाख के लोगों के हवाले से दावा किया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है और प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। राहुल ने कहा कि स्थानीय लोगों की केंद्र सरकार से बहुत शिकायतें हैं और वे खुश नहीं हैं। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन ने जो जमीन हमसे ली है वो यहाँ मुद्दा है। हमारे यहाँ पर सब लोग ये कह रहे हैं कि चीन की सेना घुसी है। पहले जो चारागाह होती थी उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है, वहाँ ये लोग अब जा नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुझे लद्दाख आना था, लेकिन कुछ कारणों से हम नहीं आ सके। मैंने सोचा कि चलो लद्दाख का थोड़ा विस्तृत दौरा करूं। यहां के लोग उस दर्जे से खुश नहीं हैं जो उन्हें दिया गया है। वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं और उनके सामने बेरोजगारी की समस्या है। लोग कह रहे हैं कि राज्य को नौकरशाही द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए, बल्कि राज्य को लोगों की आवाज़ से चलाना चाहिए। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की तारीख आई सामने, राजस्थान में लेंगे 7 फेरे। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। पहले जहां परिणीति और राघव अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी साधे हुए थे, तो सगाई के बाद से ही वे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों दोनों को राजस्थान में देखा गया था, जिसके बाद से उदयपुर में उनकी शादी होने की बात कही जा रही थी। इस बीच अब दोनों की शादी की तारीख भी सामने आ गई है। ई टाइम्स को सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक परिणीति और राघव अगले महीने ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों 25 सितंबर को राजस्थान में शादी करेंगे और उसके बाद गुरुग्राम हरियाणा में उनका रिसेप्शन होगा। शादी से करीब एक हफ्ते पहले से रस्में शुरू हो जाएंगी, जिसमें दोनों के परिवार वालों और दोस्तों के अलावा मनोरंजन और राजनीतिक जगत से जुड़े हुए हस्तियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक परिणीति और राघव की शादी बहुत भव्य होगी, जिसके लिए उनकी टीम ने तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल अभिनेत्री शूटिंग में व्यस्त चल रही है, इसलिए वह सितंबर के पहले सप्ताह के बाद ही शादी की तैयारियों में भाग लेंगी। कुछ वक्त पहले राघव और परिणीति ने उदयपुर में पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि परिणीति बहन प्रियंका चोपड़ा की तरह ही शाही अंदाज में शादी करेंगी।
हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की विश्व कप कार्यक्रम में बदलाव की मांग, बीसीसीआई की बड़ी मुश्किलें। खबर है कि वनडे विश्व कप जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले भारत पाकिस्तान मुकाबले की तारीख नवरात्रि के कारण बदलनी पड़ी और अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने नई मांग कर दी है। हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप के लगातार 2 मुकाबले खेले जाने हैं और ऐसे में HCA को ऐसा लग रहा है कि वह लगातार 2 दिन मैच आयोजित नहीं करा पाएंगे। HCA ने BCCI से दोनों मैचों के बीच अंतराल रखने की मांग की है। राजीव गांधी स्टेडियम में 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स के बीच मैच होगा और इसके अगले ही दिन पाकिस्तान श्रीलंका के बीच मैच खेला जाना है। दूसरा मुकाबला 12 अक्टूबर को था, लेकिन भारत के साथ मैच एक दिन आगे बढ़ाए जाने के बाद पाकिस्तान को मुकाबले के बीच पर्याप्त समय देने के लिए इसे पुनर्निर्धारित किया गया था। 6 अक्टूबर को पाकिस्तान नीदरलैंड के बीच मैच भी नहीं होगा। आपको बता दें कि भारत में 2011 के बाद वनडे विश्व कप का आयोजन हो रहा है। हैदराबाद पुलिस ने साफ कर दिया है कि लगातार मैच में वह सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगी। उनका मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैचों में ज्यादा सुरक्षा लगेगी और वह इतनी जल्दी बड़े मैच के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान विदर्भ, पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर भारत, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, ओडिशा, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी गुजरात और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और तमिलनाडु में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार, आपकी सोच आपके कर्मों को निर्धारित करती है और आपका कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करती है, इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।